वेलकम टू सिंप्लीफाइड स्टडी। आज हम सॉल्व करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के एक्सरसाइजेस। ये क्लास 10 ICSE की बुक से मैं पढ़ाऊंगी, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियोस में भी बताया था, और क्लास 10 ICSE सेलिना बुक से मैं पढ़ा रही हूँ। सेलिना बुक की जो भी चीज़ें हैं इसमें मैं सॉल्व करूँगी, जो भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं और जो भी प्रोग्रेस चेक्स हैं। और अगर आप CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर किसी और बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को देख सकते हैं। जो पॉइंट्स आपके सिलेबस में दिए हैं वो आप वीडियो से कवर अप कर सकते हैं, बिकॉज ICSE में हल्का सा डिटेल्ड ऑप्शन रहता है, जो भी चैप्टर्स को हल्का सा डिटेल नॉलेज रहता है। सो यू कैन ऑल्सो वॉच फॉर योर एग्जाम्स एंड विच एवर थिंग्स आर नॉट इन योर एग्जाम्स यू कैन एक्सक्लूड इन द वीडियो, यू कैन स्किप द वीडियो दैट पार्ट। अगर आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं क्लियर है तो यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन और यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द लिंक्स ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर। डू द चेक आउट द वीडियोज बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द प्रोग्रेस चेक। द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज गिवन, टिक मार्क द करेक्ट मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। सो एज पर द चैप्टर अंडरस्टैंडिंग वॉट मीनिंग डू यू इन्फर फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, द सेकेंड ऑप्शन इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेरेंट्स, द थर्ड ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स एंड द फोर्थ ऑप्शन इज प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो पहला ऑप्शन बताता है कि इंक्रीज होना पॉपुलेशन में रिप्रोडक्शन है, और दूसरा बताता है कि नंबर ऑफ पेरेंट्स में इंक्रीज होना ये रिप्रोडक्शन है, थर्ड ऑप्शन कहता है कि न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोड्यूस होना ये रिप्रोडक्शन है, और फोर्थ ऑप्शन कहता है कि प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो सबसे सही आंसर है इसमें प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स कभी कभार होते हैं रिप्रोडक्शन, इट्स नॉट नेसेसरी दैट हर टाइम आइडेंटिकल हो। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है फोर्थ वाला। सेकंड ऑप्शन भी गलत है क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स का नंबर ही नहीं बढ़ता है, बट द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, द नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ द नंबर ऑफ बेसिकली से द ह्यूमन, जैसे ह्यूमन्स हैं ढेर सारे ह्यूमन्स प्रोड्यूस हुए तो स्पीशीज के मेंबर की नंबर ज़्यादा हो गई। और फर्स्ट ऑप्शन कहता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। ओके, सो नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट वेरी ब्रीफली द चीफ फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। सो वन क्वेश्चन इज फ्रॉम माई साइड टू यू ऑल, वट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफली, मैनी स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड इट रॉन्ग एंड अकॉर्डिंगली दे राइट द एग्जाम्स। सो यू हैव टू वेरी क्लियर वट इज द मीनिंग ऑफ ब्रीफली, सो जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, वट डू यू इन्फर फ्रॉम ब्रीफली वर्ड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल, यू हैव टू स्टेट द चीफ फंक्शन। तो अगर आपने सेमिनल वेसिकल्स वगैरह नहीं पढ़ा है तो उसके लिए आप आई बटन पे क्लिक करें, और आई बटन पे आपको एक वीडियो का लिंक फ्लैश होता हुआ दिखेगा, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इस वीडियो में मैंने बताया है, उसमें सेमिनल वेसिकल्स हर एक जितने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं जो कि यहाँ पे दिए हैं उसको मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया है, चेक आउट द वीडियो। द फर्स्ट आंसर इज सेमिनल वेसिकल्स का फंक्शन क्या है। फर्स्ट आंसर इज इट सीक्रीट्स अ सब्सटेंस विच सर्व्स एज अ मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ऑल्सो मेक्स देम एक्टिव। प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन है, इट पोर्स एन एल्कलाइन सिक्रीशन इन टू सीमेन। यहाँ तो एक वर्ड याद रखिए कि एल्कलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एल्कलाइन ज़रूर मैंशन करिएगा। इट पोर्स एन एल्कलाइन सिक्रीशन इन टू सीमेन विच न्यूट्रलाइज द एसिड्स इन फीमेल्स वजाइना। ये सेकेंड वाले पार्ट का फंक्शन है। थर्ड वाले पार्ट का फंक्शन देखते हैं, काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड को हम लोग बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। इनका फंक्शन है, दे सिक्रीट अ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस, तो ये एक लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस सिक्रीट करता है, ठीक है। और लास्ट वाला है जो स्पर्म डक, या उसको वास डेफरेंसेस भी कहते हैं, तो ये एपिडर्मिस से एक्सेसरी डक्ट्स तक स्पर्म्स को पहुँचाता है। तो यू कैन राइट इट कैरीज द स्पर्म्स फ्रॉम एपिडर्मिस टू द एक्सेसरी डक्ट्स। Now let us go on to the second progress check. I say that you must solve progress checks because progress checks सच में अच्छे तरह से टेस्ट कर लेते कि आपने कितना कुछ बुक से पढ़ लिया है, तो ज़रूर सॉल्व करें। यह है सेकेंड प्रोग्रेस चेक, तो इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कहता है कि state whether the following statements are true or false. सबसे पहला पार्ट इसमें ये कहता है कि वन एग इज रिलीज फ्रॉम ईच ऑफ द टू ओवरीज एवरी मंथ। One egg is released from each of the two ovaries every month. So, if you will read the question carefully, you will be able to answer. तो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हर एक ओवरी से एक एक एग रिलीज होता है हर मंथ, तो द स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, बिकॉज एक ही ओवरी से रिलीज होता है एग, ठीक है। जनरली एक ही ओवरी से एग रिलीज होता है एवरी मंथ। द
The next question says that the enlarged mature follicle bursts to release the egg. That is true. The third, the egg is passed down through the oviduct to the by muscular constructions. So, if you have studied the chapter, you would remember this. And if you have not, then click on the I button and check out the female reproduction video. In that you will study the parts of female reproductive system, their function, etc. So, the answer is true because the egg is passed down through the oviduct by muscular constructions. Oviduct में constructions होते हैं जो कि peristalsis से similar होते हैं और उसी से जो egg है वो नीचे pass होता है. Now, the fourth one. Clitoris is equivalent to the male penis. That's true. So, the answer is true here. The vagina is a muscular tube. That's also true. तो ये second progress check हमने complete कर लिया. अब हम चलते हैं third वाले पे. So now, the third progress check. The first question is, name the three main regions of the human sperm. Briefly mention the function of each. So the three main regions of human sperms are head, the middle piece and the tail. Brief I am telling. So basically, head carries the nucleic material of the sperm. Or basically, you can say that it carries the genetic material of the sperm. Then the, in the neck or the middle piece, you can say the sperm has a lot of mitochondria, which help in providing the energy to sperm to swim. And the tail helps in making lashing movements for the sperm. The second is fill in the blanks. The first, that is, implantation is the process of fixing of dash in a pit of the wall of dash. So, if you have studied the chapter, you must be remembering. Now, I am telling. The first one is, implantation is the process of fixing of blastocyst. The first will be here, blastocyst in a pit in the wall of dash. So, इट्स यूट्रस. तो यूट्रस की कौन सी वॉल में होता है? यूट्रस के तीन वॉल्स होते हैं, बताया तीन लेयर्स होते हैं उसके वॉल के. पहला होता है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम. ये तीनों वॉल्स होते हैं और इन तीनों में से किस में फिक्स होता है? सबसे अंदर वाले वॉल में, जिसको कहते हैं हम एंडोमेट्रियम. तो यहाँ पे आप समझ लो कि ये एंडोमेट्रियम को रेफर कर रहा है. सेकेंड वन, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम आर फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो बाय द एंड ऑफ डैश मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी. तो एडवांस्ड एम्ब्रियो में हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म हो गया होता है और एडवांस्ड एम्ब्रियो हम कहते हैं 5 वीक्स पे. बट इट इज़ आस्किंग इन मंथ, सो यू कैन राइट 1 मंथ. बेसिकली 1 मंथ पे हम कह सकते हैं फॉर्म हो जाता है. तो 1 मंथ और डिटेल में पूछेगा तो यू कैन राइट 1 मंथ 1 वीक और यू कैन राइट 5 वीक्स इफ इट्स आस्किंग इन वीक्स. थर्ड वन, अ कॉर्ड कंटेनिंग डैश वेसल्स कनेक्ट द डैश विद द फीटस. So, a cord containing blood vessels connects the placenta with the fetus. The cord referred to here is umbilical cord. Now, the third question, list the substances which the fetus receives from the mother through placenta. So, kaun kaun se substance hote hain jo fetus apni mother se leta hai placenta ke through. तो इसका आंसर भी आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा पार्ट 4 में, जिसका लिंक मैंने आई बटन में दिया है और बुक में दिया है. तो ये एक ही सब्सटेंस नहीं, बहुत ढेर सारे सब्सटेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल, इट्स ऑक्सीजन, इट्स एंटीबॉडी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. सो यू कैन राइट फ्यू ऑफ देम हियर. द फोर्थ क्वेश्चन सेज, हाउ आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया एक्सक्रीटेड बाय द फीटस रिमूव्ड. तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जो प्लेसेंटा होता है वो स्ट्रक्चर होता है जो मदर से बहुत सारी चीज़ें ला के फीटस को देता है और फीटस से बहुत सारी चीज़ें ले जाके जो वी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं मेनली उनको मदर को देता है. सो यहाँ पे मेन काम जो है प्लेसेंटा का है. एंड एज पर द अंडरस्टैंडिंग यू कैन राइट द आंसर बिकॉज द आंसर विल डिफर, बट ट्राई टू राइट इन शॉर्ट बिकॉज इज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हियर. द फिफ्थ वन, राइट वन सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स पर्टेनिंग टू रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस. तो ये जो टर्म्स हैं, ठीक है, तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में टर्म्स जहाँ भी यूज हुए उनसे रिलेटेड इन वर्ड्स को यूज़ करके आप एक सेंटेंस लिखें. ये इस क्वेश्चन में कह रहा है. तो फर्स्ट वन इज जेस्टेशन. तो जेस्टेशन को आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सो यू कैन से द जेस्टेशन और प्रेगनेंसी इज द, यू कैन से इट्स अ ड्यूरेशन ऑफ कैरिंग और इट्स अ स्टेट ऑफ कैरिंग अनबॉर्न यंग वन. ओके, so you can write the whole definition like this and you can also add to it the gestation in humans is of 280 days. The next one is 280 days, so you can also use this term, the gestation period in humans is 280 days. So ऐसा आप लिखेंगे तो आपने मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी टर्म्स दिए उनको अपने सेंटेंसेज में यूज़ करें और जो भी सेंटेंसेज आप फ्रेम कर रहे हो वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होने चाहिए. द थर्ड वन, हेड फर्स्ट.
हेड फर्स्ट फिनोमिना में भी मैंने इसको समझाया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट फोर में मैंने बताया था। तो हेड फर्स्ट फिनोमिना को यूज़ करके आपको एक सेंटेंस लिखना है। तो यू कैन राइट ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द चाइल्ड द हेड जनरली कम्स आउट फर्स्ट, ओके, फॉलोड बाय द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट्स ऑल यूज्ड हियर, द टर्म वी हैव यूज्ड हियर। The fourth one is placenta. So you can say placenta is an endocrine gland. It's just a intimate connection, and then you can elaborate it. After birth, what is after birth? After the delivery of the baby, of the infant, what happens that the placenta is expelled from the uterus, basically 10 to 15 minutes after the delivery of the baby. That phenomena is after birth. Tied and cut. What is tied and cut? So ye thoda पूछ लिया है, जनरली इंपॉर्टेंट था नहीं, हमें लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टूडेंट्स को ऐसे ही लगता है। कुछ भी आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो यू विल रिमेंबर एक्चुअली। तो यहाँ पे टाइड एंड कट किसके लिए यूज़ करें? यहाँ पे टाइड एंड कट यूज़ कर रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए। सो आफ्टर द बेबी इज डिलीवर्ड, आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट हैपेंड, द ब्लड वेसल्स इन द अम्बिलिकल कॉर्ड श्रिंक एंड देन इट्स टाइड एंड कट। सो इट इज ऑल्सो यूज बाय इन दिस। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, Does the fetus inside the mother's uterus breathe? Right, yes for this. So you can write yes for this. Now, seventh one. Mention the following statements are true or false. The first one, placenta produces certain hormones. Yes, it's an endocrine gland and it produces certain hormones. I've told what hormones it produces, progesterone, and HPL, HCG, etc., etc. The answer is true here. Now, this next one. Amniotic fluid serves to provide oxygen to the fetus. So, is it true? No, it is not true because this is not a function of amniotic fluid. It is false. The third one. Heart and blood vessels have been formed by the end of 5 weeks of pregnancy. That's true. Mother's blood flows into the fetus through the placenta. So actually, mother's blood does not flow, but the nutrients basically they come from the placenta. So the answer will be false. The first one is the human female gonads are ovaries. A maturing egg in the ovary is present in a sac of cells called what? The sac of cells here is follicle. Then, next. As the egg grows larger, the follicle enlarges and gets filled with the fluid and is now called the dash. Now it is called the Graafian follicle. The process of releasing egg from the ovary is called what? It's called ovulation. So all of you know it's called ovulation. So I'm writing in very short, so therefore writing may be bad here, but you have to write clearly. The ovum is picked up by the oviducal funnel and fertilization takes place in the dash. So fertilization takes place in what? Which structure? So you remember it takes place in oviduct. In about a week, the blastocyst gets fixed in the endometrium of uterus and this process is called dash. Iske pehle wale progress check mein humne isi cheez ko padha tha. I hope you remember this process is called implantation. तो ये सारे जो आंसर्स हैं मैंने फिल कर दिए हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रूट दैट अ स्पर्म फॉलोज व्हेन इट लीव्स द टेस्टिस ऑफ अ मैमल। तो टेस्टिस से निकलने के बाद या टेस्टिस से निकलने के बाद स्पर्म कौन कौन से रास्ते से जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन ये है और इसके चार ऑप्शंस आपको दिए हैं। द फर्स्ट वन इज वास डिफरेंसेस टू एपिडर्मिस टू यूरेथ्रा। तो पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि वास डिफरेंसेस मतलब होता है स्पर्म डक्ट। तो स्पर्म कैसे जाता है? वास डिफरेंसेस से एपिडिडाइमिस से यूरिथ्रा जाता है, पहला ऑप्शन है। सेकंड इज यूरिथ्रा टू एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंसेस। थर्ड ऑप्शन इज एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा टू वास डिफरेंसेस एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एपिडिडाइमिस टू वास डिफरेंसेस टू यूरिथ्रा। सो द करेक्ट रूट इज एपिडिडाइमिस वास डिफरेंसेस टू यूरिथ्रा, द ऑप्शन डी। व्हेन प्रेगनेंसी डज नॉट अकर द लाइफ ऑफ कॉर्पस लूटियम इज अबाउट। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको क्लियर होना चाहिए ओव्यूलेशन वगैरह जैसे टॉपिक्स। तो आपको पता होगा कि ओव्यूलेशन अकर्स ऑन द 13th और 14th डे ऑफ द साइकिल, इफ इट्स ऑफ 28 डेज। तो
तो अगर ओवुलेशन नहीं अकर करता है तो फिर लाइनिंग रिग्रेस करती है, और लाइनिंग कब रिग्रेस करती है, जब कॉर्पस लूटियम रिग्रेस करता है। तो कॉर्पस लूटियम कब तक रहता है, तो कॉर्पस लूटियम लिव्स टिल द स्टार्ट ऑफ द ओवुलेशन टिल द कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, बेसिकली यू कैन से लिव्स फॉर 14 डेज। ओके, द थर्ड वन, इन फीमेल हाउ मच टाइम आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द फर्टिलाइज गेट implanted in the uterine wall, so it happens in about a week, so you can add about 7 days. In humans, the fertilization takes place in the dash, so it takes place in the fallopian tube or oviduct. The middle piece of the sperm provides dash energy, gene, food or chromosomes, so it provides energy because it has mitochondria. The normal gestation period in human is, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड पूछा है। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया भी था कि हर एक लेडी का जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स नहीं होता है, कुछ में 10 मंथ्स भी होता है, कुछ में उससे कम भी होता है। तो यहाँ नॉर्मल जो पूछ रहा है तो नॉर्मली जो दिया है वो आपको बताना होगा। तो नॉर्मल जेस्टेशन पीरियड इज 2 डेज। द फॉलोइंग इन द वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, द फर्स्ट वन, द फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो, द आंसर इज एमनियोटिक फ्लूइड। द नेक्स्ट वन, द बॉडी पार्ट इन विच द एम्ब्रियो डेवलप्स, सो द आंसर इज यूट्रस। द थर्ड वन, द मेम्ब्रेन विच प्रोटेक्ट्स द फीटस एंड एनक्लोजेस अ फ्लूइड, थर्ड वन, द आंसर इज एमनियन। ओके, द फोर्थ वन, द कैनाल थ्रू विच द टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम जस्ट बिफोर द बर्थ इन ह्यूमन मेल चाइल्ड, दैट इज इंग्विनल कैनाल। सो या, देन द नेक्स्ट वन इज चूज द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन स्पर्म इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन ओवम आफ्टर बर्थ, सो दीज ऑल इवेंट्स अकर इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट द स्पर्म, सो यू कैन सर्कल आउट द स्पर्म। सो यू कैन चूज द ऑड वन आउट। द नेक्स्ट इज रिलैक्सिन, सर्विक्स डायलेट्स, एमनियोटिक सैक रप्चर्स, चाइल्ड बर्थ, फॉलिकल, सो वॉट आई थिंक सो मस्ट नॉट बी हियर इज फॉलिकल। रिलैक्सिन तो बेसिकली सिक्रीट करती हैं ओवरीज, जो कि करती हैं प्रेगनेंसी के टाइम ही करती हैं, तो फॉलिकल द ऑड वन आई थिंक सो। थर्ड वन, री राइट द टर्म्स इन द करेक्ट ऑर्डर सो दैट इट हैज़ टू बी इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, द फर्स्ट वन इम्प्लांटेशन ओवुलेशन चाइल्ड बर्थ जेस्टेशन फर्टिलाइजेशन, तो बेसिकली यहाँ ऑर्डर सही नहीं है, जो सबसे पहले होता है उसको सबसे पहले आपको लिखना है, जो इवेंट सबसे बाद में होता है उसको सबसे बाद में लिखना है, सो यू कैन अरेंज एज पर द ऑर्डर। द ऑप्शंस आर इम्प्लांटेशन ओवुलेशन चाइल्ड बर्थ जेस्टेशन फर्टिलाइजेशन, सबसे पहले कौन सा इवेंट होता है, सबसे पहले जो इवेंट होता है वो होता है ओवुलेशन, ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन विल बी द फर्स्ट इन द सीक्वेंस, देन द नेक्स्ट वन विल बी फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन हुआ तब तो फर्टिलाइजेशन होगा, नेक्स्ट वन विल बी फर्टिलाइजेशन, सो आई कैन राइट द फर्स्ट फॉर दिस, यहाँ मैं वन इसलिए लिख रही हूँ कि सबसे पहले ये होगा सीक्वेंस में, फिर दूसरा होगा फर्टिलाइजेशन, द थर्ड वन विल बी इम्प्लांटेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद तो इम्प्लांटेशन होना है ना, तो द थर्ड वन विल बी इम्प्लांटेशन। देन टू ऑप्शंस आर लेफ्ट, चाइल्ड बर्थ एंड जेस्टेशन, सबसे पहले जेस्टेशन होगा तभी ना चाइल्ड बर्थ, जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने पर चाइल्ड बर्थ होता है, थर्ड फोर्थ वन विल बी दिस एंड द फिफ्थ वन विल बी दिस, सीक्वेंस ये होगा ओवुलेशन देन फर्टिलाइजेशन देन इम्प्लांटेशन देन जेस्टेशन एंड देन चाइल्ड बर्थ। बी ऑप्शन, कोइटस, ओवम, स्पर्म, स्पर्म डक, यूरिथ्रा, वजाइना, तो इसमें सही सही सीक्वेंस क्या होगा। द सेकेंड वन, सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स को बता रहा है, स्पर्म जो सबसे पहला होगा स्पर्म, ठीक है, फिर स्पर्म कहाँ जाता है, स्पर्म स्पर्म डक्ट में जाता है, ठीक है, स्पर्म फॉर्म होने के बाद स्पर्म स्पर्म डक्ट में जाता है, तीसरा होगा यूरिथ्रा, तो यूरिथ्रा से स्पर्म डक्ट से यूरिथ्रा में जाता है, उसके बाद कोइटस फोर्थ होगा, कोइटस होने के बाद फिर वो वजाइना में जाता है, ठीक है, और फिर वजाइना से वो ओवम के पास जाता है, तो यहाँ आपको 6 टर्म्स दिए थे जिनको मैंने सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। द फर्स्ट वन विल बी स्पर्म, आफ्टर दैट यू विल राइट स्पर्म डक्ट, आफ्टर दैट यू विल राइट यूरेथ्रा, आफ्टर दैट यू विल राइट कोइटस, एंड आफ्टर दैट यू विल राइट वजाइना एंड देन ओवम। द थर्ड वन, स्पर्म डक्ट, पेनिस, टेस्टिस, स्पर्म, सीमेन,
जिसको भी आपको एक सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसमें सबसे पहला जो होगा वो टेस्टिस, टेस्टिस स्पर्म्स निकलते हैं ना, सबसे पहले टेस्टिस होगा, उसमें स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, फिर सेकेंड स्पर्म होगा, फिर उसके बाद थर्ड वाला होगा स्पर्म डक्ट, ठीक है, फिर स्पर्म डक्ट, उसके बाद होगा सीमेन और उसके बाद होगा पेंस। तो इसका लॉजिक ये हो सकता है कि जो टेस्टिस है उसमें स्पर्म फॉर्म हो रहा है, फिर वो स्पर्म कहलाए, और फिर उसके बाद वो स्पर्म डक्ट के थ्रू जाते हैं सेमिनल वेसिकल्स वगैरह में, तब जाके वो सीमेन फ्लूइड बनता है और फिर सीमेन डायरेक्ट जाता है पेनिस में। तो सीक्वेंस ये होगा। द फोर्थ वन, प्यूबर्टी, मेनोपॉज, मेंस्ट्रुअल्स, देन नार्क एंड रिप्रोडक्टिव एज। तो ये बहुत ही ईजी वन है। तो फोर्थ वन इज वेरी इजी। द फर्स्ट विल बी प्यूबर्टी, सबसे पहले प्यूबर्टी होगी, फिर ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन होगा जो कि मेनार्क है, फिर उसके बाद मेंस्ट्रुअल्स होंगे, मतलब मेंस्ट्रुएशन होते रहेगा। तो थर्ड वन इज मेंस्ट्रुअल्स, फोर्थ वन विल बी रिप्रोडक्टिव एज। तो जैसे कि एक बार मेनार्क हो जाता है, उसके बाद मेनोपॉज तक रिप्रोडक्टिव एज चलती है और फिर उसके बाद मेनोपॉज होता है। तो सीक्वेंस विल बी दिस। द लास्ट वन, ग्राफियन फॉलिकल, ऑस्टियम, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, ये वाला। तो पहला होगा ग्राफियन फॉलिकल। ऑस्टियम बेसिकली एक ओपनिंग है जो कि प्रॉक्सिमल ओपनिंग है या डिस्टल ओपनिंग भी हो सकती है यूटराइन ट्यूब की, ठीक है। तो उसके बाद होगा ऑस्टियम और फिर उसके बाद होगा फैलोपियन ट्यूब। तो ये थर्ड नंबर होगा और ये उसके बाद ये फोर्थ वाला सीक्वेंस ये होगा। यहाँ फोर्थ वाला पूछा है, गिव द अप्रोप्रिएट टर्म्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो सबका अप्रोप्रिएट टर्म हमें देना है। द आंसर ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इन अ फीमेल, दैट्स अ मेनार्क। द रप्चर ऑफ फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, दैट्स ओव्यूलेशन। मंथली डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डिसइंटीग्रेटेड टिश्यूज, दैट्स मेंस्ट्रुएशन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, दैट्स कॉल्ड सिनगैमी ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिक्सिंग ऑफ डेवलपिंग जायगोट या ब्लास्टोसिस्ट इन द यूटराइन वॉल, दैट्स इम्प्लांटेशन। सो यू हैव टू राइट द टर्म्स। तो ऑल द आंसर आई हैव टोल्ड यू। द फिफ्थ वन इज मैच द आइटम्स इन द कॉलम वन टू दोज ऑफ द कॉलम टू, ओके, एंड राइट डाउन द मैचिंग पेयर्स। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा या दो एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो आपको जो मैच कर रहा है उसको लिखना होता है कॉपी में। कैसे लिखना होता है, किस तरह से मैच द फॉलोइंग का आंसर लिखते हैं एग्ज़ाम में, इसके लिए मैं एग्ज़ाम्स आपके आने से पहले जो मैं वीडियोस बनाऊंगी तो आप बताइएगा, अगर मैक्सिमम लोग कहते हैं तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एग्जाम, हाउ टू राइट द पेपर, हाउ टू प्रेजेंट योर पेपर, व्हाट टिप्स यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग द पेपर एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टू नॉट डू इन द पेपर। ये सारी चीज़ें और हर एक डिटेल मैं बताऊंगी। सबसे सही इसका जो मैचिंग पेयर है वो क्या लग रहा है, कि ये ओवम प्रोड्यूसिंग सेल है, कि ये सीमेन है, कि स्पर्मेटोजोआ है, कि क्या है। तो स्पर्मेटोजोआ मैंने पहले इसको ध्यान नहीं दिया था, बट एक्चुअली दिस विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज एक स्पर्मेटोजोआ के अंदर ही तो एक्रोसोम होता है। सो आई थिंक सो दिस, सो यू कैन राइट, आई एम राइटिंग इन वेरी स्मॉल द ए हियर, ओके। बी इज जेस्टेशन। जेस्टेशन किसके लिए है, एन एम्ब्रियो विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन बेबी, यूटिलाइजिंग हार्मोन, ओवम प्रोड्यूसिंग सेल, सीमेन, स्पर्मेटोजोआ, कंप्लीट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल और टाइम टेकन बाय फर्टिलाइज्ड एग टिल द डिलीवरी ऑफ बेबी। द आंसर इज द लास्ट ऑप्शन, सो यू कैन राइट बी हियर। थर्ड वन इज मेनोपॉज। तो मेनोपॉज एक्चुअली क्या है, ये कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है, सी हियर, ओके। नाउ द फीटस, फीटस इज व्हाट, एम्ब्रियो विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन बेबी, सो यू कैन राइट द डी हियर। नाउ ऊजेनेसिस इज व्हाट, ऊजेनेसिस व्हाट, इट्स द ओवम प्रोड्यूसिंग सेल, बट एक्चुअली द ऑप्शन इज नॉट वेरी करेक्ट। ऊजेनेसिस बेसिकली प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जो सेल्स हैं उसको कहते हैं आप प्राइमरी फॉलिकल्स वगैरह। मैंने ऊजेनेसिस को भी बताया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 4 में, तो ये क्योंकि आपकी बुक में दिया नहीं है, मैं बहुत डिटेल में यहाँ कवर नहीं कर रही हूँ, बट ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो पार्ट 4 है उसमें मैंने ऊजेनेसिस बताया था, बट यहाँ ओवम प्रोड्यूसिंग सेल्स लिखा है। और एक ऑप्शन इसने लिख दिया है कि सीमेन, और एक ऑप्शन इसने लिख दिया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक लिख दिया एन एम्ब्रियो विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन बेबी। तो इसमें ऊजेनेसिस के लिए बहुत ही सही टर्म तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं बाकियों के लिए देखती हूँ फीटस के लिए क्या सही टर्म है। वो आपको मैंने बता दिया है कि एम्ब्रियो विच लुक्स लाइक अ ह्यूमन बेबी, तो आप इसको लिख सकते हैं डी। ओव्यूलेशन क्या है, ओव्यूलेशन इज व्हाट, ओव्यूलेशन इज इट हैपेंस व्हेन द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स अटेन अ पीक लेवल, सो यू कैन राइट एफ हियर। अब आपको दो ऑप्शंस बचते हैं, तो ऊजेनेसिस के लिए व्हाट यू विल राइट,
आई थिंक सो द बेस्ट वन फॉर ऊ जेनेसिस कैन बी द थर्ड वन, सो यू कैन राइट ई. बट आपको बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स ऐसी मिलेंगी जिसमें आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा, आप एक क्लिक पे आपको तुरंत सारे जो एक्सरसाइजेस वो मिल जाएंगे. बट आई एम एक्सप्लेनिंग हेयर, तो इसीलिए वीडियो मेरा थोड़ा सा डिफरेंट बनता है. आई हैव पुट द एफर्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चे, उनकी मजबूरी होती है, दे जस्ट कॉपी द आंसर्स एंड दे डो नॉट एक्चुअली अंडरस्टैंड वॉट इज सीक्वेंस और वॉट इज द लॉजिक बिहाइंड. तो यहाँ मैंने इसलिए ये वीडियो बनाया एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने के लिए, वरना तो एक्सरसाइजेस हर जगह अवेलेबल हैं. बट लॉजिक यही है मेरा, उसके पीछे रीज़न यही है, सो दैट कि आप जो भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करें, यू नो एक्चुअली वॉट प्रोसेस इज देयर, वॉट लॉजिक इज अप्लाइड बिहाइंड दैट क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए. तो जहाँ तक ऊ जेनेसिस का सवाल है, यहाँ बहुत ही सही ऑप्शन नहीं दिया है. अगर यहाँ पे ये दिया रहता कि ऊ जेनेसिस इज प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ ओम एक्सेट्रा, तो हम कह सकते थे. बट दिस ऑप्शन इज द ओनली बेस्ट विच वी कैन चूज फॉर इट, सो आई एम राइटिंग ई. एम asking the body part in which testes are present in human male. So the answer is scrotum. Part where the sperms are produced in the testes, the answer is seminiferous tubules. Fully developed part of the ovary containing a mature egg, that is a graafian follicle, that's a fully developed part of the ovary. The D1. The accessory gland in human males whose secretion activates the sperm. So ye progress check mein bhi pucha tha, kaun sa aisa एक्सेसरी ग्लैंड होता है ह्यूमन मेल्स में जिसका सिक्रेशन स्पर्म्स को एक्टिवेट करता है. सो द आंसर इज सेमिनल वेसिकल्स. नाउ द ई वन, द ट्यूबुलर नॉट फिटिंग लाइक अ कैप ऑन द अपर साइड ऑफ द टेस्टिस. द ट्यूबुलर नॉट फिटिंग लाइक अ कैप ऑन द अपर साइड ऑफ टेस्टिस, दैट इज एपिडिडाइमिस. नाउ द सेवेंथ वन, चूज द ऑड वन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. The first one, estrogen, progesterone, testosterone, prolactin. तो इसमें odd one जो है वो है testosterone. The B one, ovary, fallopian tube, ureter and uterus. So the odd one is ureter here, because ureter जो है वो excretory system का part है, बल्कि बाकी सब जो है female reproductive system के parts हैं. The C one, seminiferous tubule, ovum, epididymis, sperm, duct, urethra. तो यहाँ पे जो ओवम है वो ऑड वन है, बिकॉज द रेस्ट आर पार्ट्स ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. यूरेथ्रा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, बिकॉज मेल्स में जो होता है यूरेथ्रा एक कॉमन डक्ट है यूरिन के लिए और साथ में सीमेन के लिए, और फीमेल्स में यूरेथ्रा काम और सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है. ठीक है, अब डी, स्पर्म इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ओवम और आफ्टर बर्थ. द ऑड वन इज स्पर्म. तो सी वाले में जो ऑड वन था वो था ओवम. ठीक है, और इसके जस्ट पहले एक क्वेश्चन पे चलते हैं. तो यहाँ जो ऊ जेनेसिस दिया है, सो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगी. देखिए, ऊ जेनेसिस जो है वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है, और बल्कि ऊगोनिया जो होते हैं वो होते हैं ओवम प्रोड्यूसिंग सेल्स. तो अगर ऊगोनिया दिया होता तो हम कह देते हाँ इट्स करेक्टली मैचिंग, बट यहाँ तो ऊ जेनेसिस दिया, लेकिन अब जो दिया है उसके अकॉर्डिंग तो यही बैठ रहा है आंसर. जैसा कि हमने वीडियो में बोला था, हम शॉर्ट जितने भी आंसर वाले हैं वो सारे कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे अब ख़त्म होता है हमारा. इससे पहले शॉर्ट आंसर वाला करके फिर ये जो वीडियो है उसमें हमने सारे सेल्स कंप्लीट कर लिए हैं. चलिए शॉर्ट आंसर वाला कर लेते हैं जल्दी से. द फर्स्ट वन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. तो हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट्स हैं इसमें ट्रू है कि ये फॉल्स हैं. फर्टिलाइजेशन अकर्स इन वजाइना, बिल्कुल गलत. फर्टिलाइजेशन तो फैलोपियन ट्यूब में होता है, या कह सकते हैं ओविडक्ट में होता है, तो बिल्कुल भी फॉल्स आंसर है, ये फॉल्स है. ठीक है, द यूट्रस इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल, बिल्कुल नहीं. यूट्रस बर्थ कैनाल नहीं होता है. ठीक है, ये भी फॉल्स है. न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द मदर्स ब्लड इन टू द फीटस थ्रू द एमनियन, या ये सही है? बिल्कुल नहीं. न्यूट्रिशन और जो ऑक्सीजन होता है वो मदर के ब्लड से फीटस में कैसे जाता है? वो तो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, तो फिर ये तो गलत हो गया. जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमंस इज अबाउट 380 डेज, बिल्कुल नहीं. ये तो 280 डेज होता है, तो सारे के सारे यहाँ फॉल्स हैं. द नेक्स्ट इज, री राइट एनी ऑफ द टू रॉन्ग स्टेटमेंट्स बाय करेक्टिंग वन वर्ड एट द बिगनिंग और द एंड. यहाँ बेसिकली जो दिया है सेकेंड क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि जितने भी फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे, उसमें से आप उनको करेक्ट करिए. करेक्ट करने के दो वेज हैं आपको, या तो ऐसे करेक्ट करना है कि आप पहला वर्ड चेंज कर दो सेंटेंस का, या तो आप लास्ट वर्ड चेंज कर दो सेंटेंस का. तो यही दो तरीके से आपको करेक्ट करना है,
और एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि आप बीच में से कहीं करेक्ट कर देंगे तो वो सही माना जाएगा, नहीं। जैसे क्वेश्चन में डायरेक्शंस दिए गए उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ मैं कुछ दो स्टेटमेंट्स को ले रही हूँ। पहला तो मैं ये जो ले रही हूँ लास्ट वाला ले रही हूँ, पहला जो सेंटेंस मैं करेक्ट करना चाहूँगी वो लास्ट का सेंटेंस है ये जो है। मैं इसका लास्ट वर्ड चेंज करके इसको 280 days कर दूँगी, ठीक है। तो इसे आप अपनी कॉपी में अच्छे से रीराइट कर लीजिएगा अपनी बुक में सॉल्व करने के लिए। तो जनरली सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एक पेज ले लीजिए या तो आप एक कॉपी बना लीजिए जिसमें आप बुक के एक्सरसाइज सॉल्व करें, पर वो मुझे बहुत बच्चों वाली चीज़ें लगती हैं, आप कर सकते हैं वैसे। और आपको दूसरी तरीका ये आप कर सकते हैं कि एक पेज ले लो, उसको आप हल्का से यहाँ स्टेपल कर लो, जो भी बुक का कॉर्नर है उसमें आप जो भी ऐसे आंसर जिनको आप बुक में नहीं लिख सकते उनको यहाँ लिख लो। तो ये वाला मैं करना चाहूँगी, इसको मैं 280 days कर लूँगी काट के। और एक और जो मैं करना चाहूँगी वो ये वाला करना चाहूँगी, इसको मैं लास्ट में काट के प्रेजेंटा कर दूँगी, ठीक है। तो आप कोई भी दो सेंटेंस कर सकते हैं, बट जैसे भी आप करें, बट या तो लास्ट वर्ड चेंज करें या तो फर्स्ट वर्ड चेंज करें, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस लें। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर और द फंक्शन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। कुछ में आपको स्ट्रक्चर दिया है, उसके फंक्शंस नहीं दिए हैं, और कुछ में आपको फंक्शन दे दिए हैं और वो स्ट्रक्चर नहीं बताया है। कॉर्पस लूटियम का फंक्शन क्या होता है? आपको पता है कि कॉर्पस लूटियम जो है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे जब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है और वो हम रिलीज हो जाता है, तो बाकी का बचा ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम बन जाता है और ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करता है तो यही इसका फंक्शन है, आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट, द फंक्शन इज गिवेन प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमिट्स इन मास। तो मास में प्रोडक्शन होता है मेल गैमिट्स का, तो ये कौन करता है? ये करता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि है टेस्टिस। द थर्ड वन इज प्लेसेंटल डिस्क। प्लेसेंटल डिस्क करता क्या? बेसिकली इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो और द एंड ऑल्सो द एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो टू द मदर। तो ये बेसिकली हेल्प करता है दोनों जो भी सब्सटेंसेस हैं न्यूट्रिएंट्स मदर से और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एम्ब्रियो से ले जाता है और उन्हें उनके रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे पहुंचाता है। द फोर्थ, यू हैव टू नेम द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इज गिवन इंक्रीजेज द फोर्स ऑफ यूट्राइन कंट्रैक्शन। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर नहीं हार्मोन है, द हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन। ओके, द नेक्स्ट वन इज अम्बेलिकल कॉर्ड, इसका फंक्शन आप बताइए। तो इट कनेक्ट्स प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा और एम्ब्रियो में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, अम्बेलिकल कॉर्ड यही काम करता है। फेलोपियन ट्यूब, तो फेलोपियन ट्यूब का बहुत सारा काम है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी होता है और साथ ही साथ ये जो होता है मतलब ओवम जब ओवरी से रिलीज जाता है तो फेलोपियन ट्यूब में ही वो आता है, तो फेलोपियन ट्यूब का ये फंक्शन है। नाउ गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सर्टेन स्टेजेस और सब्सटेंसेज रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन एंड फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, आंसर द क्वेश्चन रिलेटेड टू देम। फीटस, वेयर इट इज कंटेन्ड, तो फीटस कहाँ कंटेन रहता है? द फीटस इज कंटेन्ड इन द यूट्रस। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम एम्ब्रियो? तो एम्ब्रियो और फीटस में बहुत सारा डिफरेंस है। एम्ब्रियो बेसिकली बहुत पहले की स्टेज होती है जहाँ पे वो एकदम छोटा सा साइज होता है और वो ह्यूमन बींग को बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करता, बल्कि फीटस रिजेंबल्स अ ह्यूमन बींग। ओके, सो यू कैन राइट इन योर वर्ड्स, बट द थिंग्स दैट यू हैव टू मैंशन द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट फीटस रिजेंबल्स द ह्यूमन बींग, लिम्स एक्सेट्रा आर फॉर्म्ड इन अ फीटस, वेर एज एम्ब्रियो डज नॉट रिजेंबल अ ह्यूमन बींग एंड नॉट मच डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस इन एम्ब्रियो। हाई एल यूरोनाइडेज, इज इट एन एंजाइम और सिंपली अ प्रोटीन? तो ये तो एक एंजाइम होता है। आपको पता है कि एक्रोसोम जब एंजाइम्स रिलीज करता है तो वो उसको हेल्प करते हैं ओवम को पेनिट्रेट करने के लिए और फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, तो फंक्शन ये है। मॉड्यूला, वॉट इज दिस स्टेज? तो ये एक स्टेज होता है बेसिकली, जाइगोट जब फॉर्म हो जाता है उसके बाद वो डिवाइड करता है, डिवाइड करते करते वो एक मॉड्यूला स्टेज बन जाता है, मॉड्यूला बन जाता है। मॉड्यूला क्या है? बेसिकली मास ऑफ सेल्स है। जाइगोट एक सिंगल सेल था, उसने बहुत सारे डिविजन्स किए, अब वो मॉड्यूला बन गया जो कि एक मास ऑफ सेल्स है। और ब्लास्टोसिस्ट इसके बाद की क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नेम द स्टेज विच कम्स नेक्स्ट टू इट, तो इसके बाद कौन सी स्टेज आती है? ब्लास्टोसिस्ट आती है। तो मॉरुला और ब्लास्टोसिस्ट में डिफरेंस ये, मॉरुला जो होता है मास ऑफ सेल्स होता है और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो एक हॉलो बॉल ऑफ सेल्स होता है। ब्लास्टोसिस्ट जो होता है मॉरुला के बाद की स्टेज है। नाउ एमनियोटिक फ्लूइड, वेयर इट इज फाउंड? तो एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो और एमनियन के बीच होता है। और व्हाट आर इट्स फंक्शंस? तो फंक्शंस को हमने बहुत डिटेल में कवर किया था, दो फंक्शंस मैं यहाँ बता रही हूँ। इट प्रोवाइड्स द एम्ब्रियो सम रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फ्रॉम स्टिकिंग, ठीक है।
नेक्स्ट इज प्लेसेंटा, व्हाट आर द टू सोर्सेज दैट फॉर्म प्लेसेंटा। तो कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होता है, इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था। प्लेसेंटा फॉर्म होता है दो विलाई से, जो एक जो मदर की तरफ से आता है और एक यूट्रस, एक जो होता है यूट्राइन वॉल देता है मदर का बेसिकली, या कह सकते हैं यूट्रस देता है, और दूसरा जो होता है वो एम्ब्रियो की तरफ से आता है। तो इन्हीं विलाई से फॉर्म होता है। तो सोर्सेज यहाँ पे विलाई हैं दोनों के, आपको स्पेसिफिकली डिफ्रेंशिएट करना है कि एक मदर से आता है और एक एम्ब्रियो की तरफ से आता है, ठीक है। नेम एनी टू मेन सब्सटेंसेज विच पास फ्रॉम द फीटस टू मदर थ्रू प्लेसेंटा। तो यहाँ पूछा है कि कौन से ऐसे मेन सब्सटेंस हैं जो फीटस से मदर में जाते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। कहाँ जाते हैं, फीटस से मदर में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ये फीटस से मदर में जा रहे हैं। तो आंसर होगा नाइट्रोजिनस वेस्ट्स एंड द कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नाउ नेम एनी टू हार्मोन इट प्रोड्यूसेस। तो कौन से ऐसे दो हार्मोन जो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो मैं यहाँ दोनों का आंसर लिख दे रही हूँ, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ CO2 और नाइट्रोजिनस वेस्ट। और नेम एनी टू हार्मोन प्लेसेंटा प्रोड्यूसेस, तो प्लेसेंटा प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। कुछ बुक में एस्ट्रोजन ऐसे लिखा होता है, कुछ में इसके आगे ओ लिखा होता है, जो आपकी बुक में है वो आपको लिखेंगे, ठीक है। इम्प्लांटेशन द डेवलपमेंटल स्टेज द दैट एंड दैट अंडरगोज दिस प्रोसेस। तो किस स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट में इम्प्लांटेशन होता है, तो यही लिखेंगे आप आंसर कि द डेवलपमेंट स्टेज दैट अंडरगोज दिस प्रोसेस, जिसके साथ ये प्रोसेस होता है वो है ब्लास्टो। अब देखिए मैं आंसर इसलिए नहीं लिख रही थी कि बिकॉज ये बहुत डर्टी लगने लगता है, यहाँ थोड़ा सा डर्टी लग रहा है। द अप्रॉक्सीमेट टाइम आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हेन इट अकर्स, फर्टिलाइजेशन के कितने बाद इम्प्लांटेशन होता है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इसको प्रोग्रेस चेक में भी देखा था कि 5 to 7 days में होता है, या कह सकते हैं 1 week में हो जाता है। वॉट इज सीमेन, सीमेन इज अ फ्लूइड विच कंटेन्स स्पर्म्स अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ द ऑल द एक्सेसरी ग्लैंड्स विच आर द सेमिनल वेसिकल्स, द काउपर्स ग्लैंड and the prostate gland, ठीक है। Now describe the functions of the following: inguinal canal. Inguinal canal is a canal which helps in the descent of testis, along with its bloods etc. blood vessels, nerves etc. ठीक है, तो inguinal canal के बारे में इसके पहले भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, ठीक है। Now prostate gland. तो prostate gland का function क्या है, it secretes an alkaline fluid which helps in neutralizing the acids in female's vagina. Testis. Testis is a male sex organ which produces the male gametes. Ovary. Ovary क्या है, तो ovary is the female sex organ which produces the female gametes or ova. Oviduct. Oviduct is a structure which connects the ovary and uterus and it also transports the ovum from the ovary and it's a site of fertilization. ठीक है, what are the secondary sexual characteristics in the human male and female? कौन से सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए जितने भी गोनाड्स और जो भी ऑर्गन्स हैं, बट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक जिस ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप देख के ही बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहचानना बहुत ईजी है। सबसे पहला जो होता है मेल्स में जो होती है वो होती है बियर्ड, उनकी डीप वॉइस, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग फिजिक जो कि होता है, मतलब बॉडी जो होती है वो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर बिल्ड होता है, ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं। फीमेल्स के केस में होता है एक जो भी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक है, पहली बात तो हाई पिच वॉइस होती है फीमेल्स में, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया। सेकेंड इज ब्रेस्ट एंड द हिप्स, द ब्रॉड हिप्स। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन द प्राइमरी एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड बिफोर दैट इट्स अ क्वेश्चन, व्हाट आर द एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो सी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो गैमेट्स बना रहे हैं, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से पहले वीडियो में बताया, सबसे पहले वीडियो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के, इसको देख ले। तो प्राइमरी वो होते हैं जो गैमेट्स बना रहे हैं, एक्सेसरी वो जो बाकी हेल्प करते हैं। तो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेफिनेशन उससे आप फ्रेम करके लिख सकते हैं। नाउ डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड एक्सेसरी, तो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फॉर्म गैमेट्स, फॉर एग्जाम्पल टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, एंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हेल्प इन अदर फंक्शंस लाइक यू नो एडिंग ऑफ द लाइक इन केस ऑफ मेल्स द प्राइमरी इज टेस्टिस, सो एक्सेसरी इन द केस सेमिनल वेसिकल सेट्रा स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन एडिंग द फ्लूइड इन केस ऑफ मेल्स, सीमेन बनाने में हेल्प करते हैं एंड मोर थिंग्स, ओके, अदर दैन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एंड इन केस ऑफ फीमेल्स
जो एक्सेसरी हैं वो यूट्रस हैं, ओविडक्ट्स हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सब होते हैं. वॉट इज़ हाइमेन? सो बेसिकली हाइमेन इज़ अ कवरिंग, यू कैन से, ठीक है, ओके, इट्स अ परफोरेटेड कवरिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द वजाइना. वो हाइमेन एक परफोरेटेड कवरिंग, यू कैन से इट इज, ओके. नाउ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, हर्निया एंड ओव्यूलेशन प्यूबर्टी. तो हर्निया एक डिजीज़ है जिसको मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, लेट अस रिकॉल इट अगेन. तो वॉट इज हर्निया? तो समटाइम्स वॉट हैपन्स ड्यू टू द प्रेशर इन एब्डोमेन, द इंटेस्टाइन बल्जेस इन टू स्क्रोटम थ्रू द इंग्विनल कैनाल, एंड उसी को हम हर्निया कहते हैं. ओव्यूलेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द एज अराउंड विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द मेल्स एंड फीमेल्स स्टार्ट फंक्शनिंग, ओके, और यू कैन से इट द स्टेट ऑफ ऑनसेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो एज ऑफ प्यूबर्टी इन मेल्स एंड फीमेल्स स्लाइटली डिफर्स, ओके. लिस्ट एनी टू चेंजेस इन ह्यूमन्स, मेल एंड फीमेल, दैट विच अकर ड्यूरिंग प्यूबर्टी. सो इन ह्यूमन मेल्स वॉट स्टार्ट टू हैपन? डीपनिंग ऑफ वॉइस स्टार्ट्स, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस स्टार्ट्स, एंड मेनी अदर थिंग्स, ओके, लाइक डेवलपमेंट ऑफ फेशियल हेयर, बियर्ड एंड मस्टेचेस, ओके. इन द फीमेल, इन द फीमेल्स वॉट हैपन? दैट यू कैन से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टार्ट्स, फर्स्टली ब्रेस्ट एनलार्जमेंट स्टार्ट्स, देन हिप्स ऑल्सो स्टार्ट टू वाइडन अ लिटिल, देन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट्स, ओके. एंड प्यूबिक हेयर डेवलप्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. तो प्यूबिक हेयर वाला जो पॉइंट है, वो जो प्यूबर्टी के लिए चेंज है, वो दोनों ही में कॉमन होगा. तो मैंने दोनों में चेंजेस बता दिए, लेकिन प्यूबिक हेयर वाला पॉइंट आप दोनों में ही मेंशन कर सकते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स, मेनार्क एंड मेनोपॉज. तो वेरी इजी, मेनार्क इज द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन, द मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किसी गर्ल में, ठीक है, सबसे पहली बार, तो दैट्स कॉल्ड मेनार्क. फिर मेनोपॉज इज द कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट वन. तो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड, दे सिक्रीट अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. And prostate gland, it secretes an alkaline fluid. Okay. Now hymen and clitoris. So hymen is a perforated covering which is present basically you can say on the start of the vagina. And clitoris, it's a small erectile tissue which is present at the uppermost angle of the vulva. And it's equivalent of the male penis. Uterus and vagina. So uterus is a hollow pear-shaped structure which accommodates the embryo or the fetus, okay. And vagina is a muscular tube which receives the penis as well as it helps in the or it serves as a canal for the birth of the baby. So uterus jo hota hai accommodate karta hai, usme develop hota hai embryo, aur vagina ke through wo deliver hota hai embryo, ya basically infant jo hota hai. Efferent duct and sperm duct. So just see this diagram clearly, you may be easily understanding efferent duct. So in that you can write the answer like this: the efferent ducts is a network basically which arises from the joining of the seminiferous tubules. So efferent ducts jo hoti hain wo testis mein present hoti hain, dher sari seminiferous tubules join ho jati hain aur fir unse efferent ducts arise hoti hain. So you have to remember that. And sperm ducts jo hoti hain wo to epididymis se connect karti hain, baki jitni bhi accessory glands hain उनको कनेक्ट करती है. एपिडिडाइमिस से वो डक्ट्स स्टार्ट होती हैं, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंसेस, और फिर उसके बाद उसको बाकी ग्लैंड्स तक ले जाती है, ठीक है. सो आई हैव डिफरेंशिएटेड एंड आई होप सो ऑल द एक्सरसाइजेस आर क्लियर. एंड डू चेक आउट द अनदर वीडियो. टिल देन लाइक द वीडियो इफ यू अंडरस्टूड एंड वट एवर आई एक्सप्लेन्ड. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.